प्रिय विद्यार्थियों, आज हम टीनिया सोलियम के बारे में चर्चा करेंगे। टीनिया सोलियम भी संघ प्लेटियल एंथिस का जंतु है और प्लेटियल एंथिस के जंतु जो हैं ये चपटे सुडोसिलोमेट और बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। जो टीनिया है इसका शरीर फीते के समान होता है, इस कारण से इसको फीताकर्मी भी कहा जाता है। ये मुख्यतः एंडोपैरासाइट के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। इसके अगर शरीर को हम देखें तो मोटे तौर पर ये दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक आगे का जो भाग है वो स्कोलेक्स कहलाता है और इस भाग पर जो है शक्कर यानी चूसक जो है वो पाए जाते हैं, और इसके जो पीछे का भाग है वो एक लंबा जो है रिबन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है, जिसको प्रोग्लोटिड या देखंड कह सकते हैं, या इसको स्ट्रोबिला भी कहा जाता है। तो ये पैरासाइट रूप के रूप में जो है अपना जीवन व्यतीत करने के कारण इसमें जो इंटेस्टाइन है इसका अभाव होता है, यानी ये जो है परजी जो होस्ट है उसकी बॉडी में रहते हुए भोजन को अपनी सतह से अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं, यानी भोजन को ये अब्जॉर्ब करते हैं। इनके लिए इनको जो है डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पचा पचा भोजन ही ग्रहण करते हैं और ये जो है अपनी जो सामान्य सतह है शरीर की उससे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आज हम जो है टीनिया के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो है जो इसका क्लासिफिकेशन जो है वो भी हम जान लेते हैं। टीनिया जो है प्लेटियल एंथिस का जंतु है, और इससे पहले ही हमने एक अन्य प्लेटियल एंथिस के जंतु फेसियोलोहिपेटिका के बारे में बात की थी। तो टीनिया का जो फाइलम है वो भी प्लेटियल एंथिस और फेसियोलोहिपेटिका का भी प्लेटियल एंथिस। तो संघ प्लेटियल एंथिस और प्लेटियल एंथिस के जंतु के बारे में भी बात की थी कि चपटे सुडोसिलोमेट बायलेटरल सिमेट्रिकल इस तरह के जंतु जो है प्लेटियल एंथिस में सम्मिलित किए गए हैं, और ये जंतु मोस्टली जो है पैरासाइट्स होते हैं परजीवी के रूप में, पैरासाइट्स भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं। इसका जो वर्ग है टीनिया का वो है सेस्ट्रोडा, और सेस्ट्रोडा वर्ग के जो जंतु हैं उनका शरीर खंडित होता है, खंडों में बंटा होता है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अब्सेंट होता है। इसके अलावा ये जो बॉडी है वो दिखने में रिबन लाइक दिखाई देती है, फीते जैसा शरीर जो है वो होता है। इसकी अगर ऑर्डर की हम बात करें तो साइक्रोफाइलिडिया इसका ऑर्डर है, और इस ऑर्डर के जो जीव हैं उनकी खासियत ये होती है कि इसके जो स्कोलेक्स भाग है, इसका जो अग्र भाग है इसको स्कोलेक्स कहा जाता है, उस भाग पर चार पैलेनुमा जो है सकर्स यानी चूसक जो है वो पाए जाते हैं। जीन्स की बात करें तो टीनिया और स्पीसीज सोलियम, स्पीसीज बहुत सी स्पीसीज हैं, लेकिन आपकी किताब में जिस स्पीसीज के बारे में डिटेल स्टडी की हुई है, डिटेल वर्णन दिया हुआ है, वह है टीनिया सोलियम। इस स्ट्रक्चर से जो है हम टीनिया सोलियम की बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो लेफ्ट साइड में जो दिखाया गया है डायग्राम में, ये संपूर्ण जंतु है। इसका जो अग्र भाग है थोड़ा चौड़ा है, ये स्कोलेक्स कहलाता है, और साइड में दाईं तरफ जो है स्कोलेक्स को ही मैग्नीफाइंग करके दर्शाया गया है। स्कोलेक्स में हम देख रहे हैं आगे की ओर जो है रोस्टेलम है, और ये जो है बाकी सकर्स दिखाई दे रहे हैं जो गोलाकार रिंग के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये सकर्स हैं। और पीछे का जो भाग है बैक साइड में वो जो है पतला पार्ट जो है ये नेक कहलाता है, इसका नेक रीजन। और नेक रीजन के जो पीछे का भाग है वो हम राइट साइड में जो एनिमल है उसमें देख रहे हैं, खंडों में मटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या है, इसका प्रोग्लोटिड रीजन है, जिसमें जो है देखखंड है ये शरीर के। तो इस तरह का ये जो जंतु है ये शरीर जो है लंबा होता है और खंडों में विभक्त होता है। अब हम इसके स्वभाव और आवास की अगर बात करें तो टीनिया जो है सेस्ट्रोडावर का जंतु है, ये अभी अपने बात कर ली, और इसका जो शरीर है वो लंबा होता है, चपटा होता है, फीते के समान होता है, और फीते के समान होने के कारण इसको फीताकर्मी भी कहा जाता है। एंडोपैरासाइट के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं,
और मुख्यतः जो है द्विपोषी एंडोपैरासाइट होते हैं ये, जो दो पोषकों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, एक मनुष्य और दूसरा सूअर। तो मनुष्य और सूअर में जो है अपना ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसका जो अडल्ट है मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है, और यहाँ ये अपने स्कोलेक्स द्वारा जो है आंत की म्यूकोसा से चिपका रहता है। इसमें मुख और पाचन गुहिका का अभाव होने के कारण ये अपने शरीर भित्ति द्वारा परपोषी से या परपोषी के पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। इसके लार्वा अवस्था द्वितीय या जो मध्यस्थ परपोषी सूअर है उसके ऊतक में पाई जाती है, यानी जो इंटरमीडिएट जो स्टेज है वो सूअर के जो है में कंप्लीट करता है ये, यानी लार्वा अवस्था जो है तो दूसरा जो इसका होस्ट है जिसको इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं उसमें कंप्लीट होती है। ये प्रावस्था यानी जो लार्वा प्रावस्था है वो इसकी सिस्टी सर्कस कहलाती है, यानी टीनिया का जो लार्वा है वो सिस्टी सर्कस कहलाता है, और ये जो है सिस्टी सर्कस किस में पाया जाता है, सूअर के उत्कों में। तो सिस्टी सर्कस केवल उसी दशा में ही वयस्क पिताकर्मी में कंप्लीट कन्वर्ट हो पाता है, परिवर्तित हो पाता है, जब वह मनुष्य परपोषी द्वारा अंतर्गत कर लिया जाता है। कहने का मतलब है कि जब ये इसका जो लार्वा है वो सूअर में पाया जाता है, और जब सूअर का मांस कोई मनुष्य अगर खा लेता है तो ये सूअर से मनुष्य में भी चला जाता है, वो मनुष्य जो है वो संक्रमित इससे हो सकता है। तो सूअर का ऐसा मांस जिसमें सिस्टी सर्कस लार्वा अत्यधिक संख्या में हो तो उसको मिजली सूअर मांस भी कहते हैं, यानी सूअर का वो मांस जिसमें सिस्टी सर्कस के लार्वा बहुत ज़्यादा संख्या में हो तो ऐसा जो मांस है वो क्या कहलाता है, मिजली सूअर मांस कहलाता है। तो इस प्रकार के मांस में प्राय लार्वा प्रावस्था एक तरह से डेड होकर कैल्सिफाइड हो जाती है, और एक तरह से सफ़ेद रंग का ये दिखाई देता है। इसकी पृष्ठ और अदर्स जो दोनों सतह हैं वो चपटी हैं होती हैं लेकिन बाहर से देखने पर पृष्ठ और अदर सतह की जो है एक तरह से उसको आइडेंटिफाई जो है करना मुश्किल होता है। आंतरिक रचना में सतह पर प्रश्नों की तरफ से निकट होती है, और यह पृष्ठ और इसके विपरीत मादा दंडांगों की तरफ या मादा दंडांगों की निकटवर्ती सतह अदर होती है। कहने का मतलब है कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें तो टेस्टिस की जो साइड होती है वो डोर्सल साइड होती है, और इसके जो मादा दंडांग की निकटवर्ती जो सतह है वो कौन सी होती है, वेंट्रल साइड होती है। इसका शरीर अगले सिरे पर जो है संकड़ा होता है और पीछे की ओर ये चौड़ा होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर में अभी देखा आपने कि स्कोलेक्स जो पार्ट है आगे का जो भाग है वो थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन उसके ठीक पीछे का जो भाग है जो गर्दन है जो नेक है वो संकड़ी होती है, और ये गर्दन फिर पीछे की ओर जो जो बढ़ती जाती है, जो शरीर की जो है पीछे की ओर बढ़ता जाता है तो ये चौड़ा होता जाता है। तो पिताकर्मी का शरीर बहुत से जो है भाग या जो खंड है उसमें डिवाइड होता है, हमने देखा भी, जिन्हें दीर्घवा खंड या प्रोग्लोटिड कहा जाता है। इस जंतु में विखंडन की प्रक्रिया कूट विखंडन कहलाती है, यानी जो इसमें सेगमेंटेशन होता है वो क्या होता है, शूडो सेगमेंटेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर जो है बाहर की ओर, बाहर से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा शरीर जो है खंडों में विभक्त है, लेकिन ये सेगमेंटेशन एक्सटर्नल होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन इसका इसमें अभाव होता है। तो इसको इसके शरीर को स्पष्ट रूप से हम तीन भागों में बांट सकते हैं। शरीर के जो अग्र वाला जो भाग है, जो गुंडीनुमा शीर्ष है, जिस पर जो है एक तरह से जो होस्ट है उसकी दीवार से या उसकी आंतों की जो दीवार है उसे चिपकने के लिए चार शूषक पाए जाते हैं। तो ये कुछ जातियों में यहाँ पर हुक्स भी देखते हैं जो है शूषक की जगह हुक्स पाए जाते हैं। तो सिर के पीछे का भाग गिरवा और उसके ठीक पीछे का जो भाग है वो ग्रेविड प्रोग्लोटिड या स्ट्रोबिला कहलाता है। तो कहने का मतलब है शरीर को एक तरह से मोटे तौर पर हम तीन भागों में बांट सकते हैं, क्या कौन कौन सा, अग्र भाग जो क्या है स्कोलेक्स, और उसके पीछे का भाग गिरवा, और गिरवा के जो पीछे का भाग है वो क्या कहलाता है, स्ट्रोबिला या प्रोग्लोटिड भाग कहलाता है। तो जो स्ट्रोबिला भाग है ये लगभग 1000 से 1200 देह खंडों का बना होता है, और प्रत्येक खंड में अपना एक तरह से
पृथक जो है द्विलिंगी जनन तंत्र होता है। तो ये खंड भी विकास के आधार पर सामान्यतः अपरिपक्व परिपक्व और ग्रेविड द्वि खंड कहलाते हैं। यानी जो स्ट्रोबिला है यानी जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं उनको भी जो है हम तीन भागों में बांट सकते हैं, इमेच्योर, मेच्योर और ग्रेविड प्रोग्लोटिड। गिरवा के अग्रभाग में जो है सक्रिय कोशा विभाजन के कारण जीवन भर नए द्विखंड बनते रहते हैं और ये जो खंड जो है इनका जो जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो ये जो खंड पीछे की ओर धकेल दिए जाते हैं और नए खंडों का निर्माण होता रहता है। इस तरह से ये क्रम लगातार चलता रहता है। सामान्यतः इन कर्मियों में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। तो मोस्टली जो पैरासाइट्स हैं उनकी एक खासियत होती है, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं पाया जाता, उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी नहीं पाया जाता और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी अब्सेंट होता है। एक्सक्रेटरी जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका अभाव होता है। लेकिन जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो पाया जाता है और एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो फ्लेम सेल्स हैं, ज्वाला कोशिकाएं हैं, वो पाई जाती हैं। तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता लेकिन फिर भी पाया जाता है। तो ये जो है जो टीनिया है, ये अभी बात की कि ये जो है परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है और जो मनुष्य है उसके आंत में ये जो है रहकर जो है टीनियसिस नामक रोग जो है वो उत्पन्न कर देता है। तो टीनियसिस जो रोग जो कि टीनिया ही कारण होता है, इस रोग की स्थिति में जो पीड़ित व्यक्ति है उसको मतली आती है, उल्टी आती है, उसको कमज़ोरी महसूस होती है, डायरिया हो जाता है, दस्त वगैरह, और पेट में जो है मरोड़े आते हैं, मतलब एक तरह से दर्द होता है उसको। इसके अलावा उसको या तो भूख बिल्कुल नहीं लगती या भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इस तरह के लक्षण भी कई बार देखे गए हैं। वजन जो है कम हो जाता है और इसके अलावा शरीर में जो है विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं इनकी भी कमी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टीनिया है ये जो है पैरासाइट के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है और मुख्यतः जो है मनुष्य और सूअर में जो है ये पाया जाता है। इसकी जो लार्वा अवस्था है वो सूअर में, और जब सूअर को अगर कोई मनुष्य अगर खा लेता है तो ये सूअर से मनुष्य में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसकी जो है बहुत सी स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से जो टीनिया सोलियम जिसको पोर्क टेपवर्म कहते हैं, या जो टीनिया सेजिनेटा जिसको बीफ टेपवर्म करता है, यही मनुष्य में पाई जाती हैं। बाकी जो अन्य स्पीसीज हैं जैसे टीनिया पेसिफॉर्मिस है या टीनिया सेरेटा है, ये जो है जो दूसरे मांसभक्षी जो जंतु हैं जैसे कुत्ता है या और जो जंगली जो जानवर हैं उनमें इसको इनको रिपोर्ट किया गया है। तो मनुष्य में जो टीनिया की जो स्पीसीज जो है रिपोर्ट की गई हैं वो है टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा। टीनियाई फोलियमिस जो है वो कुछ बिल्लियों में या जो दूसरे जो मांसाहारी हैं उनकी जो बड़ी आंत है वहाँ पर पाई जाती हैं। इसी तरह से टीनिया हाइजिनेटा जो है या टीनिया जो ओविस है ये कुत्तों और भेड़ों में भी रिपोर्ट की गई, हालांकि भेड़ जो है वो मांसाहारी नहीं है लेकिन वहाँ भी ये पाई जाती है। तो आज हमने जो टीनिया है इसके सामान्य जानकारी जो है प्राप्त की, यानी जो डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट जीव है और मनुष्य की आंत में जो है परजीवी के रूप में पाया जाता है और इसकी जो लार्वा अवस्था है वो सूअर में पाई जाती है। जब मनुष्य जो सूअर जो है सूअर का जो मांस अगर मनुष्य खा लेता है तो वापस जो ये मनुष्य में आ जाती है और
मनुष्य से सुअर में कैसे जाती है, उसकी फिकल द्वारा, जो फिकल मटेरियल है उसको जब सुअर खा लेता है तो ये सुअर में चली जाती है और सुअर में जो है इसका लार्वा डेवलप हो जाता है, जब वापस मनुष्य उस सुअर को खाता है तो ये वापस मनुष्य में चला जाता है। इस तरह से ये अपना जीवन भी कंप्लीट करता है। तो कहने का मतलब है ये इसकी जो मेटासिस्टोडा स्टेज है, प्रावस्था है, जो कि लैंगिक रूप से एक तरह से वयस्क नहीं होती, मेच्योर नहीं होती, वह जो है मध्यस्थ प्रपोसी जिसकी बात कर रहे थे सुअर की, उसमें पाई जाती है ना। ये जो मेटासिस्टोड क्या है, एक तरह से लार्वावस्था है इसकी। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। थैंक यू।